अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम खामोशी क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान न सिर्फ अल्फाज पर भारी है बल्कि इस्लाम और इंसानियत की बुनियादी तालीमात के भी बरखिलाफ़ है। हमारी आज की जो सोसाइटी का जो अलमिया है और हमारे अंदर जो एक मुआशरती बुराई है जिसको ख़त्म करने के लिए उसको हम इतनी भी कोशिश करें तब तक ख़त्म नहीं कर सकते कि जब तक ये सोच हमारे जहनों से बाहर नहीं निकल जाती। हमारा आज का प्रोग्राम सो कॉल्ड ऑनर किलिंग पर है, जो कि दरअसल हर किलिंग ही है, जिसको जिसके मुहर्रकात अगर देखे जाएं तो वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। वो चाहे कंदील बलोच जैसी, जो कि ज़माने के साथ साथ चलने वाली एक सो कॉल्ड मॉडर्न लेडी हो, जिसका अपने ही घर में उसका इज्जत के नाम पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और वो खा मुख्तारा माई हो, जो कि एक सादा लो खातून थी जिसकी इज्जत को चंद दौलतमंद ओबाश नौजवानों ने तार तार कर दिया। और इस पर भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जिन्होंने विक्टिम के ऊपर ही कई सवालात खड़े कर दिए। और अगर बात की जाए खदीजा सिद्दीकी की, तो उसे भी शाह हुसैन ने 23 चाकू के वार करके अपनी बिला वजह नफ़रत और ईगो को कमाल डटाई के साथ मुजाहरा किया उसका। और अभी हाल ही में देखा जाए तो नूर मुकद्दम का जो सानहा पेश आया है, और इस तरह के लातादाद ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे मुआशरे में जुड़े हुए हैं, और हमारे मुआशरे का जो एक कड़वा सच है कि हमारे मुआशरे का जो तल्ख रवैया है उसके डर की वजह से आज तक कई केसेस जो हैं वो सामने नहीं आते हैं। सोसाइटी की इस गलत सोच की वजह से इस तरह के केसेस जो रूनमा हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत को हमने मदु किया, जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, वो पाकिस्तान के नामवर माहिर कानूनदान अयाज महमूद एडवोकेट हैं। अयाज साहब, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और सबसे पहले आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ, और आपके टीवी चैनल का ANN का, जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाया और मुझे राय का या बोलने का मौका दिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर। इसीलिए आपको बुलाया गया है कि अवामुन नास में जो एक खुलबली मची हुई है, और जिसे ये समझ लें, यूँ कह लें कि जिस तरह के ख्वातीन के ऊपर इस कदर तशद्दुद के वाक़ात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमने भी इस प्रोग्राम को और आपको कॉल करने का जो पर्पज़ था वो यही था कि अवामुन नास में उस शऊर की बेदारी हो कि जो ख्वातीन के अगेंस्ट जो हैं पुरतशद्दुद वाक़ात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आपकी बात हो गई, मैंने सवाल भी आपके सामने रखना था। तो सवाल ये है अयाज महमूद साहब के, बहसीत एक कानूनदान, आपके ख्याल में इस मुआशरती बुराई को जन्म देने वाली जो सोच है, इसको इसका खात्मा कैसे किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो हफ्सा, मैं इस चीज़ की इसको कुछ इस तरह से बयान करूँगा कि ये हमारे मुआशरे के अंदर ये जो पनपने वाली सोच है, दरअसल इस चीज़ की अक्कास करती है, अक्कास है कि हमारे मुआशरे के अंदर लाकानूनीत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसी भी इंसान को ये डर या खौफ नहीं है कि अगर मैं ये कत्ल कर रहा हूँ तो क्या वो ये समझता है कि मैं ये कत्ल कर रहा हूँ, और उसके बाद उस इंसान को इस चीज़ का बिल्कुल नहीं है कि क्या उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा भी या नहीं। हमारे मुआशरे के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इस तकसीम इतनी हो चुकी है कि एक आम आदमी के लिए जो कानून है वो ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे कानून सिर्फ एक आम इंसान के लिए है, एक आम आदमी के लिए है। अगर वो छोटे से छोटा जुर्म भी करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा भी है, उसके लिए सारे ये मसाइल भी हैं, लेकिन एक जो बड़ा आदमी है उसके लिए इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते, क्योंकि उसके लिए प्रोसिक्यूशन से लेके यू वुड लाइक टू से कि कानून का दोहरा मयार है, कानून का दोहरा मयार है, और कानून है और अमीर के लिए और कानून, बिल्कुल। सो व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ इट? इसके पीछे जो है वो यही है कि एक हमारे माशरे के अंदर आज तक इसको सही तरह से कानून को जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई ही नहीं है। अगर आज तक ये जितने लोगों ने ये कत्ल वारदात की है, जितनी आपने केसेस का हवाला किया है, किसी एक में भी, किसी एक को भी जो है वो एक सेट एग्जांपल बनाया जाता, तो मेरा ख्याल है कि किसी दूसरे को ऐसा काम करने की कभी ज़रूरत भी ना होती। राइट, बिल्कुल सही।
जी जी फरमाइएगा। और इसके अलावा जहाँ तक ये हमारे माशरे के अंदर ये है कि हम देखते हैं कि हर आदमी यही समझता है एक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, एक राय के मुताबिक, कि जैसे वो यही समझ रहा है कि मुझे इसके बाद कोई भी पूछने वाला नहीं है। और हम जहाँ तक ये देखते हैं कि आपने इस केस का हवाला दिया कि नूर फातिमा के कत्ल केस का, उसमें भी देख लें कि जो है वो कातिल जो है उसके नज़दीक यही है कि उसने अगर कत्ल कर दिया है तो उसको जैसे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा या उसके लिए कोई राह फरार जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। हमारे माशरे के अंदर हमने इस एलिमेंट को ख़त्म करना है और हकूमत को इसके लिए चाहिए कि सख्त से सख्त इकदाम करें। अच्छा, इसमें मैं एक बात कहूँगा अयाज साहब के, जिस तरह की आप देखें कि ये नूर मुकदम का ही केस ले लें, बात तो हमारी आगे काफ़ी चलेगी, लेकिन हमारा तो शऊर की बेदारी जो है वो ज़रूरी है। हमारा पॉइंट तो यही है कि अवामुन नास पे इस शऊर को बेदार किया जाए कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है। आज की बात की जाए तो आप देख लें कि अगर नूर मुकदम को लेते, ये आसान है, बहुत अफसोसनाक है, पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक है, लेकिन इस बात पर आप अगर गौर करें कि इसी तरीके से अगर किसी विलेज एरियाज में या किसी और जगह पे किसी के साथ इस तरह का सानिया होता तो वो शायद कि इस हद तक उसको जो है वो उसका बैकअप उसको ना मिलता। आज आप देख लें कि इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में बल्कि बहुत बड़ा कुछ 40,000 समथिंग कुछ बताया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा तौर पे फंडिंग की जा रही है कि इसको हमने ये जो जजा और सज़ा का सिलसिला है इसको हमने बरकरार रखना है और इस बंदे को, इस जो कल्पिट है इस मामले में, इसको हमने सज़ा दिलवानी है। और इसमें उन्होंने पता नहीं मैं कोई एक्यूरेट जो फिगर्स हैं वो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ 40,000 पाउंड मतलब $40,000 इस तरह करके उन्होंने फंडिंग की है। तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, ये एलिमेंट्स कब तक ये चलते रहेंगे? यही मुआशरती जो तफरीक है हमारे माशरे के अंदर नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो हमारी 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कंप्राइजेज ऑन रूरल एरियाज़ है। अब रूरल एरियाज़ जो हैं उनके अंदर होने वाला कोई भी क्राइम हो, चाहे वो अबडक्शन हो, चाहे सेड्यूस किया जाए किसी लिहाज से, चाहे कत्ल का मसला हो, तो इतना हाईलाइट नहीं होता। ये तो एक एलीट क्लास है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पूरी एक सिविल सोसाइटी जो है या हमारा माशरा वो सरापा एहतजाज बना हुआ है नूर मुकदम केस के लिहाज से, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर वहाँ पर हमारा इवन जो सोशल मीडिया है उसकी या प्रिंट मीडिया है उसकी कितनी ग्रिप है, उसकी कोई गिरफ्त नहीं है। तो यहाँ पर हमारी हज़ारों ऐसी बहनें हैं, बेटियाँ हैं जो देहातों में रहती हैं, जो हर रोज़ एक सानहे का जो है वो शिकार होती हैं, लेकिन आज तक उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं इस लिहाज से यहाँ पर यह ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल नूर मुकदम केस के अंदर अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, उसको करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि आए रोज़ ये जो मामलात या ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है, उनको क्या इकदामात करने चाहिए। तो यकीनन उनको सख्त से सख्त इकदामात करने चाहिए कि ऐसे हालातों वाकयात पैदा ही ना हो। सही, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यासा। ये बताइएगा कि बाज़ केसेस में इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए कि अदालती फैसले जो हैं वो मुलज़िम के हक़ में जो हैं वो चलते हैं, उनके मतलब फ़ैसले आ जाते हैं, और फिर अगले जब लेवल पे जाते हैं तो उसमें आप देख लें कि विक्टिम की फरियाद जब सुनी जाती है या ख़वातीन के हवाले से लगाया जाए तो उनको जो है वो तब जाके उनको इस इंसाफ़ मिलता है। जिस तरह के ये खदीजा सदीकी का जो केस है उसमें आप देख लें कि ये इसी तरह हुआ। और आप इसमें आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में कि जो इस तरह की दरिंदगी का जो शिकार होने वाली ख्वातीन हैं उनके इंसाफ के हसूल के इस सफ़र का दौरानिया कैसे और कब ख़त्म होगा? देखिए, हम ये बात करते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, राइट। दर हकीकत में यही है, हकीकत इसमें यही है कि अदालतों तक सही अगर कोई चीज़ पहुंचेगी तो कोर्ट ने तो फैसला जो करने है वो हकाइक के मुताबिक करने है। वो हकाइक वो नहीं है जो हमें मीडिया पर दिखाए जाते हैं, उसके पीछे क्या है, एविडेंस क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या पेश करती है, प्रोसिक्यूशन कितने उसके एविडेंस को सॉलिड जो है वो पेश करती है, तो तमाम हकाइक की वो बुनियादी चीज़ें होती कोर्ट ने उनको देकर ये फैसला करना है। अगर कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर राइटली अपना काम करेगी तो यकीनन जो कोर्ट है उसको फैसला करने में भी आसानी होगी, और अगर एविडेंस जो है वो सॉलिड होगी तो उसके ऊपर, लेकिन अगर एविडेंस ही नहीं होती, अगर वहाँ पे विटनेस ही नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर केस को कमज़ोर बना देती हैं और फिर कोर्ट के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है। बताइएगा कि इस तरह के जो केसेज हैं ये सेशन कोर्ट में इनके ट्रायल चलते हैं?
डेफिनेटली ये ट्रायल कोर्ट इसको सुनेगी, ट्रायल कोर्ट का फिर इसका फैसला करेगी, वो मैटर ऑफ एविडेंस के ऊपर करेगी, उसके बाद फिर जो अगर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है तब भी, या सेंटेंस ऑफ डेथ होती है तब भी, दोनों केसेस के अंदर फिर इसके पास राइट ऑफ अपील होता है और फिर डेफिनेटली एक अपीलेट फॉर्म जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट। बस अमूमी ख्याल यही किया जाता है जो लोअर कोर्ट्स हैं लाइक सिविल कोर्ट हो गया जहाँ पे दीवानी मुकदमात हैं और वहाँ पे आप समझते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तो चलती रहती है। इसी जो जो मैंने जुमला बोला, इसी तरह क्या जो अपर कोर्ट्स हैं उसमें भी ऐसा ही सिलसिला है या कि वहाँ पे उनको उस शेड्यूल इस तरह का नहीं, बात हो रही है लोअर कोर्ट्स की। लोअर कोर्ट्स के अंदर ये ऐसा नहीं चलता, क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं चलता। ट्रायल का एक मखसूस पीरियड होता है और डेफिनेटली जज साहब की भी कोशिश यही होती है कि उसको एज सून एज कंक्लूड किया जाए। तो उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत डिले आती है तो वो प्रोसिक्यूशन की तरफ आती है, ऐसे की तरफ से आती है, अदरवाइज उसको एज सून एज कोर्ट की यही कोशिश होती है कि एज सून एज उसको डिसाइड करके जो कल्प्रेट है अगर वो। डू यू थिंक के मतलब रिसेंटली माजी करीब में जिस तरह के जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर काफ़ी, पिछले दिनों भी मैंने देखा था कि उसके ऊपर उनके काफ़ी रिमार्क्स थे कि जितने भी केसेस हैं उनको एज सून एज पॉसिबल उसको जो है वो कम्प्लीट किया जाना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है? इम्प्लीमेंटेशन फौजदारी मुकदमात के अंदर काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन सिविल मुकदमात के अंदर एज सून एज वही पेंडेंसी है जो कि हमारे लिए, बल्कि जितने भी साइलिन होते हैं एडवोकेट्स के लिए भी होती है, मसाइल पैदा होते हैं अगर केस एक पेंडिंग चलता है तो। डेफिनेटली उसके साथ साथ जो है साइलिन के लिए बिलखसूस उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मसाइल का, क्योंकि उनका कीमती वक्त का भी ज़िया होता है इसमें, उनके कीमती सरमाए का भी उसमें ज़िया होता है। तो हमें और बल्कि बिलखसूस एडवोकेट्स को और अदालतों को क्या चाहिए कि वो साइलिन को रिलीफ दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि उनके लिए मसाइल और कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जाएँ। तो ये यकीनन होना चाहिए इसमें एज सून एज जो स्पीडी जो एक रेमेडी होनी चाहिए या उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। बस मैं पिछले दिनों यहाँ पे मैं एक वाक्य कोट करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, राइटर हैं बहुत अच्छे, तो मैं उनका ही वो एक स्टडी कर रहा था तो वही बता रहे थे कि उनके मतलब हाई कोर्ट के एक जज साहब से, तो उनकी जो विज़िट होता है ना जेल में जाते हैं विज़िट करते हैं जजेस साहबान, तो वहाँ पे एक जज साहब अपना वाकया बता रहे हैं, चीफ जस्टिस वो भी हाई कोर्ट ही हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जब विज़िट पे हम लोग गए जेल में तो वहाँ पे क्या देखा कि जब विज़िट के दौरान जो वापसी पर जब जा रहे थे तो एक बुज़ुर्ग शख्स था, तो उसने उनको आवाज़ दी कि सर आप मेरी भी आवाज़ सुन सकते हैं या मुझे भी मेरी भी बात सुन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, मैं सुनूंगा। और वो कहते हैं कि जब मैं उस बुज़ुर्ग के पास गया तो वो ज़ारा खुदा रोने लगा, रोता ही जा रहा है, तो मैंने उससे रीज़न पूछी कि इतना रोने का सबब क्या है, आप मतलब मुझे अपनी बात बताओ। तो उसने अपनी शॉर्टली में बात बताई कि मेरे ऊपर जो है, उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो सारी फाइल वगैरह लेके आए, जब उन्होंने देखा तो उसके ऊपर 9C का मुकदमा था। जब 9C का मुकदमा था तो हर बंदा आपको पता अवॉइड करता है कि यार ये तो मंशियात फरोश है, ये तो इस तरह का है, मतलब उससे वो अवॉइड करता है। लेकिन वो बता रहे हैं जज साहब कि मैंने उसको नोट किया और फिर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने उसी वो सारी जो उसका जो केस था वो उसको अपने पास लेके आया, उसने बात ये बताई कि मैंने 6 साल, मेरी बच्ची को डाइवोर्स हुई थी और मैंने 6 साल मुकदमा लड़ा और मैंने बलूचिस्तान में जा के उस बच्ची का जो है वो अपना जहेज़ के लिए मैं उसको कलेक्ट करने गया, जहेज़ को जब लेने गए हैं अदालती हुक्म पर, यानी कि अदालत ने उसके हक में फैसला कर दिया है, तो वो जब वो वहाँ पे लेने गए हैं तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस से जो मिली भगत करके वो जिस ट्रक में वो लोड कर रहे थे अपनी बच्ची का जहेज़, वो जहेज़ को नीचे उतार के वहाँ पे 30 किलो जो है वो चर्स वहाँ पे रखा दी, 30 किलो मंशियात वहाँ पे रखवा के पुलिस से मिली भगत करके उसके ऊपर 9C का मुकदमा दर्ज किया। और वो 6-7 साल से वो भी जेल में है, 6 साल उसने वो मुकदमा लड़ा और फिर उसके बाद 6-7 साल में वो जेल में है। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जो, ये बात तो बहुत लंबी है लेकिन वो आज आप हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं तो बात आपसे ही होगी, लेकिन इन शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि चीफ साहब ने फिर उनको उसको बुलाया, फिर उसकी उसके वकील को बुलाया, वकील साहब वो भी नाला थे इस बात पे कि भाई मैं बहस नहीं करूँगा, उनसे पूछा गया भाई आपने बहस क्यों नहीं करनी, उन्होंने कहा जी मुझे फ़ीस पे नहीं की है तो मैं मतलब कैसे बहस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से मतलब वो शॉर्टली में यही लिखते हैं कि हर इंसान को
अपने एंड पे ये देखना है, वकील को भी ये देखना है कि हमने भी इस जहाने फानी से जाना है। तो अगर 100 केस आप लोग कर रहे हैं तो 10 केस या 2 केस या 1 केस आ जाता है तो उसको फ्री में भी आप उसको कर सकते हैं। इन शॉर्ट के उन्होंने उसकी वो बेल ली और वो बेगुनाह बंदा जो जेल में पड़ा हुआ था उसकी उन्होंने वो बेल ली और मतलब ये मैसेज कन्वे किया कि हमें उस सुपरिटेंडेंट को, उस जेलर को और उस जनाब वो SHO को भी मतलब ये सारा इसको चेंज की ज़रूरत है। सो आप क्या कहेंगे इसमें? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वकील जो है एक एडवोकेट के लिए, ये वकील अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम है। सही। तो जो अल्लाह ताला की मखलूक को जब रूए मखलूक खुदा को तकलीफ़ होती है तो इसका मेरा ख्याल है अगर सबसे ज़्यादा एहसास होना चाहिए तो वो एक वकील को होना चाहिए। पहली बात तो ये है। सही। कोई भी साइल आए माँ सिवाए ये आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि हमें इससे फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो उसको कानूनी मुआवजा जो है वो यकीनी फराहम करनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे इन टच विद अस, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले अयाज महमूद साहब बहुत अच्छी बात बता रहे थे और ये हमारे लिए और अवामुन्नास के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस भी हैं इन बातों में, तो उसी बात को ही कंटिन्यू करते हैं। जी अयाज साहब क्या फरमा रहे थे आप? जी मैं ये बता रहा था कि देखिए हमारे पास जब भी कोई साइल आए, अगर कोई अपनी फरियाद लेके आता है, क्लाइंट लेके आता है, तो सबसे पहले ये कि हमें अपनी फ़ीस को नहीं देखना, हमें उसे कानूनी मामला हर सूरत में, हर स्पोर्ट में उसको सूरत में मुहैया करनी चाहिए ताकि वो जिस मकसद के लिए वो बेचारा परेशानी की हालत में आके हमारे पास अपनी फरियाद लेके आता है हम उसका मदावा कर सकें। सही। बहुत ज़्यादा केसेस हैं, यकीनन अगर देखा जाए तो हमारे 90% जो केसेस हैं, मैं ये कहूँगा एक रफ अंदाजे के मुताबिक, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई वीकनेस, कोई लैकोना पाया जाता है या हमारी पुलिस के अंदर उसको मैनिपुलेट करती है। बेशुमार ऐसे लोग हैं, यकीनन वो एक आदमी की जैसे आपने मिसाल दी कि जज साहब ने विजिट किया तो वहाँ पर एक फरियादी ने उनको बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मैं अपनी बेटी का जहेज से सामान लेने के लिए गया और इस तरह से पुलिस ने मुझे इन्वॉल्व किया। सही। बेशुमार ऐसे बेगुनाह कैदी हैं जो हमारे कैद खानों के अंदर बेचारे मुकीद हैं और वो जुल्म की इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं। सही। तो सही। ज़रूरत इस बात की है कि एडवोकेट्स जो हैं उनको भी चाहिए कि वो यकीनन मुआशरे के अंदर होते हुए उनको भी मैक्सिमम हद तक, मैं तमाम लॉयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम हद तक अगर देखें क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कोर्ट्स के हवाले से, तो मैक्सिमम जो लॉयर हैं वो प्रायोरिटी जो है वो अपनी फ़ीस को ही देते हैं इंसान को, या उसको मतलब वो देखते नहीं है कि इसके बैग पे आप देखें कि ये कितने कैपेसिटी का बंदा है, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ीस को तरजीह देनी है। ज़रूरी नहीं है, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता। तमाम एडवोकेट्स जो हैं वो एक, उनका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कल भी एक साइला आई थी, वो बेचारी इंतहाई डिप्रेशन के अंदर थी, उसको कुछ समझने में नहीं आ रहा था। अगर वो पुलिस के पास जाती थी तो पुलिस उसको कहती थी क्यों आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ऐसे है ऐसे है। तो मतलब मैं जब उसके पास बैठा हूँ थोड़ी देर तक मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे यही लगा कि ये जो खातून है ये ज़हनी तौर पर वैसे ही माफ हो चुकी है। तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारी कैद खानों के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनके लिए यकीनन एडवोकेट्स, हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, रिलीफ करना चाहिए। और वैसे भी हमारा दीन भी हमें ये कहता है कि एक बेगुनाह कैदी जो है उसकी दुआ को अल्लाह के यहाँ पहुँचने में कोई देर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल भी हमारा इसी से मिलता जुलता है कि क्या वकला जो हैं, वकला साहबान जो केसेस को सुलझाने या उलझाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, या कानून नाफिस करने वाले जो इदारे हैं उनका किरदार जो है वो किस हद तक मनफी या मुस्बत है, आपका यानी कि इसमें क्या मुशाहिदा है? मेरा ये मुशाहिदा है कि देखें वकला जो हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारी प्रोसिक्यूशन विंग जो है, हमारी पुलिस वो ठीक हो जाए, वो जो एक लोगों को गलत तरीके के साथ या जो लोगों के इंस्टिगेट करने पे या रिश्वत की वजह से लोगों को ना पनसाए, झूठे मुकदमात जो है वो लोगों के खिलाफ दर्ज ना किए जाएं, उनका अंदराज ना हो, तो वकला कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए FIR एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सारा जो है वो केस स्टैंड करता है। FIR जो एक जो है पढ़ते हुए जज सबको भी समझ आ जाती है कि केस की नौइयत क्या है, इसको कैसे मैनिपुलेट किया गया। अगर नीचे वाले जज की समझ में नहीं भी आई तो हाई कोर्ट के जजेस जो है माशाल्लाह वो फौरन समझ जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसके अंदर बिलखसूस हमारी पुलिस जो है, ये तो बस अल्लाह ही बचाए कि ये इनका क्या होगा। सही, ये सही। हम सिर्फ इनके ऊपर तबसरा ही कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। सर आपके ख्याल में इसका जो चेक एंड बैलेंस है वो कैसे मुमकिन है? चेक एंड बैलेंस ये है, आप कोई आइडिया ही दे दें, IG साहब भी सुन रहे हैं जी,
इसमें यही है कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं वो लाना इंतहाई ज़रूरी हैं, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर ये है कि इनके पास मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल के मुताबिक, बतौर एडवोकेट जो मेरा मुशाहिदा है, कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की अथॉरिटी होनी चाहिए, उससे बढ़ के इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये क्या करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की जाए, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट करें। इनके पास ये बिल्कुल पावर नहीं होनी चाहिए कि FIR के जो खात्मे का है। अब होता क्या है कि FIR की एक झूठी FIA का अंदराज कर दिया जाता है, ये एक एप्लीकेशन दे दी जाती है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, 2-3 दिन 4 दिन बल्कि कई दिनों तक लोगों को हबसे बेजा में रखा जाता है, ठीक है, इंतज़ार किया जाता है किस पार्टी की तरफ से, किस साइड से बड़ी ऑफर आए, और हम पैसे लेने के बाद उनको वही रिश्वत का जो बाजार ये गर्म रखते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। तो खुदा के लिए इनको ये करना चाहिए, हुकूमत को ये देखना चाहिए कि पुलिस के अंदर बेपनाह रिफॉर्म्स की अभी गुंजाइश बाकी है। आज तक इस इदारे के ऊपर कोई खास काम किया ही नहीं गया, उसके काम ना होने की वजह क्या है, इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, जहाँ जहाँ बजाय के इनसे वो जो है वो मुआशरे के अंदर जो इनके वो चेक एंड बैलेंस किया जाए, इनकी खिदमात जो हैं जो वो होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो खिदमात होनी चाहिए, वो उस उनको देखा जाए, बल्कि इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए, इनको अपनी ज़ाती मफादात के लिए आज तक इस्तेमाल किया जाता है। अयाज़ भाई, इस तरह है, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जिस तरह की हम किसी गलत औरत को, किसी बाजारी औरत को जो जिस्म फरोशी करती है, हम उसको इतना बुरा भला कहते हैं, नो डाउट कि वो गलत काम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपका क्या अंदाज़ा है कि क्या वो वकील जो अपनी जो उसने जो काम करना है, जिस चीज़ की उसने फ़ीस ली है, अगर उससे ओहदा बरा नहीं होता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ओबे नहीं करता, तो क्या वो उस बाजारी औरत जिसको हम कहते हैं कि जी ये वो फलां अपना ये बेचते हैं, तो क्या वो वकील अपना ज़मीर नहीं बेचता? और अगर इसी तरह एक सहाफ़ी है, वो गलत तरीके से गलत ट्रैक पर चढ़ता है, और उसके पास अल्लाह ताला ने एक कलम का जो उसको हथियार दिया है, वो कलम का मिसयूज़ करता है, क्या वो इस ज़ुमरे में नहीं आता? इसी तरह टीचर हैं, इसी तरह एक डॉक्टर हैं, तो क्या समझते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमें थोड़ी सी जो हमारी इस्तलाह है उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी औरत को या कोई भी मर्द हो, अगर उसके किसी काम की वजह से हम उसके नाम के साथ एक इस्तलाह इस्तेमाल कर दें, जैसे आपने अभी इस्तेमाल किया कि बाजारी औरत, बाहर के ममालिक में जो होता है ये सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, ऐसा वहाँ पे उनके तो मुआशरे के अंदर ये चीज़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समझता हूँ कि किसी भी इंसान के उसके फेल की वजह से उसको अगर आप एक अलग से आइडेंटिफिकेशन देना शुरू कर देंगे, तो फिर वो उस चीज़ के अंदर और ज़्यादा आएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि मुआशरे के अंदर इस्लाह होनी चाहिए, ऐसे लोगों को ठीक है उनके स्ट्रिकनेस होनी चाहिए, उनको सख्ती के साथ बाउंड किया जाए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको इतना बुरा समझें कि वो हमें जैसे हमारे यहाँ। मैंने ज़मीर की बात की है कि जो बंदा ज़मीर बेचता है, क्या वो उस ज़ुमरे में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आता, आता है बिल्कुल, कि उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, वो ऐसे लोगों को भी हाईलाइट करना चाहिए, ऐसे ज़मीर फरोश जो लोग हैं, मैं सुनना चाह रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ कि जो ज़मीर फरोश लोग हैं उनका स्टैंडर्ड वही है जो एक बाजारी औरत के। आप जो मुझसे कहवाना चाहते थे मेरे वो कह दिया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है अयाज़ भाई। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए, चूँकि आप एहतसाब अदालत को भी डील करते हैं, उसके केसेस को ज़्यादा देखते हैं, तो आप समझते हैं कि जो एक फास्ट ट्रायल है एहतसाब अदालत का, तो क्या कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं कि ख्वातीन से जो ज़्यादती होती है या कत्ल केसेस हैं या फैसले उनके इसके बजरिया, मतलब कि फ़ास्ट ट्रायल कोर्ट में, अगर आप समझ लें कि इसको यानी कि मुमकिन नहीं हो सकता, और मुकन्ना और जो इंतज़ामिया को तभी इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि जब ज़ीनत कत्ल केस आ जाता है, तो फिर उस ऐसे घिनौने जुर्म में जो एक मासूम यानी बच्ची के को जिस तरीके से वो गिद्ध की तरह नोचते हैं, तो उसको जब इस तरह के वाक़ात आते हैं, तो क्या कानून उसी वक्त हरकत में आता है? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि किसी एक स्पेसिफ़िकली किसी एक केस के लिए स्पीडी ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक ऐसा जो ज़ैनब कत्ल केस हो या नूर फातिमा केस हो, हर एक केस की जो भी इसी ऐसी नौइयत का हो, उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और इसके लिए जितना भी इसका कम से कम टाइम हो सके तो ये बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जो है किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश या इसके में इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जितनी ताखीर होगी वो हमारे लिए, हमारे माशरे के अंदर वो जो है वो मसाइल पैदा बेशक ऐसे ही है। बिल्कुल, असल में बात यह है कि हमारे माशरे से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, जिसको हम समझते हैं कि इनको दुरुस्त होना चाहिए और ये दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहिए, जो हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो हाई लेवल पर लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको मेनटेन करना है, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं,
क्या समझते हैं कि उनका इंटरेस्ट इसमें वो ज़्यादा शो नहीं होता, जिसकी वजह से आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता? देखें, हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो मेन अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ अपने मसाइल हैं, उनके कुछ बेनिफिट्स हैं, उनकी अपनी ज़रूरियात हैं जिनके पीछे वो लगे हुए हैं। उनको हमारी आवाम के साथ, कोई उनकी फलाह के साथ नहीं है। सही। और दूसरे नंबर पे ये मसला है कि जहाँ पे लाकानूनीत की है, लाकानूनीत की बे इंतहा होती जा रही है, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि ये हुकूमत जो है इस बल्कि वो तो पहले से भी हमारा निज़ाम जो है वो बस से बदतर होता जा रहा है। सही। और दिन ब दिन जो है वाकयात के अंदर देखें, जब ऐसे मामलात में वाकयात के अंदर दिन ब दिन रोज़ बरोज़ इजाफा होगा तो माशरे के अंदर एक प्यासी, एक बेचैनी सी पैदा हो जाएगी। हाँ, गोमगू की कैफियत हो जाएगी। कोई भी बेटी या इज्जत जो है वो इस तरह से महफूज नहीं रह सकती। सही है। इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, और लेकिन जो ख़वातीन से ज़्यादती का जो एलिमेंट है वो मज़ीद कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर जाहिर है वो स्ट्रेस जो है वो ऊपर की तरफ आती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो हाँ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बुनियादी तौर पे दो हैं, जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक हमारे स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, या वहाँ पर भी कोई ऐसी कोचिंग नहीं की जाती, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, रिफॉर्म्स नहीं की जाती, बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता। ख़ास करके देखें कि जहाँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक चाहे फीमेल है या मेल है, उस फीमेल को भी देखना चाहिए, एक लड़की को भी देखना चाहिए कि उसके साथ जो चलने वाला इंसान है वो कैसा है, क्या वो अपनी बहसीयत पाकिस्तानी सिटीज़न, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, क्या जिस इंसान के साथ चल रही है क्या वो चलने के काबिल भी है, या उसके हालात वाकयात क्या हैं। अगर वो बतौर ज़िम्मेदार शहरी अपना ही ख्याल नहीं रख पाता तो फिर हुकूमत क्या करेगी? और दूसरे नंबर पर यह है कि इनके लिए बाकायदा तौर पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इनको एजुकेट करना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है। ये एक विजुअलाइजेशन होती है, एक माइंडसेट, सोच पैदा हो जाती है जो मनफी सोच की अकास होती है, फिर डेफिनेटली वो बेराह रवि पे उतर आएगी तो फिर ऐसी मसाइल पैदा होगी। जितने यूथ में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं और मंशियात का धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें, कॉलेजेस में देख लें, और हर जो यंगस्टर हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? मेरे नज़दीक अब आप देखें तो उसमें हमें देखें यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर क्या चलता है, महसूस होता है, वहाँ पर तो एक वो एजुकेशनल पॉइंट से हट के वो एक मीटिंग पॉइंट या चॉइस पॉइंट बनते जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को और फिर पेरेंट्स की ग्रिप नहीं है। आज के दौर में और पहले के दौर में क्या फ़र्क था कि यकीनन वही बच्चे भी कामयाब होते हैं और वालिदैन भी वही कामयाब कहलाते हैं जिनकी अपने बच्चों के ऊपर पूरी ग्रिप होती है और वो देखते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो बेरारवी का शिकार हो जाए या कि वो किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाए, वो तो वालिदैन तो नहीं चाहते हैं ना। यकीनन वालिदैन नहीं चाहते, लेकिन वालिदैन का चेक एंड बैलेंस ना रखना ये फिर उनको इस तरफ लेके जाता है। आप देखें हमारे बच्चे हैं तो अगर हमें उनका ये, हम उनको टाइम ही नहीं देंगे, दरअसल वजह क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते और फिर वो क्या करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं फिर जहाँ पर वो इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यकीनन स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये हमारे माशरे के लिए बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है दिन ब दिन। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तो बहुत बड़ा मतलब के समझ लें कि जो पाकिस्तान के मामार हैं, जो मुल्क के मामार हैं, उनके ऊपर हमारी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। और कोविड की वजह से आपको पता है कि एजुकेशन की जो सिचुएशन बनी हुई है, और अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो आइंदा आने वाले जो साल हैं उसमें आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इन हालात के अंदर अगर किसी सेक्टर को नुकसान पहुँचा है तो एजुकेशन सेक्टर है। राइट। जिसके अंदर आने वाली 2-3 साल की जो नस्ल है उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। जो बच्चे, जो एक क्रीम थे, हमारी ब्राइट फ्यूचर था, वो बिल्कुल तबाह होके रह गए। और मैं नहीं समझता कि ये जो है वो उतना जल्दी रिकवर हो पाएगा। और बाकी रहा हमारे इदारों के अंदर, हमारे टीचर्स जो हैं पहले एक बड़ा स्लगिश सा सिस्टम था, वो ये हम वेस्टर्न को कॉपी करते हैं लेकिन वो चीज़ तो नहीं है। अभी इदारों के अंदर भी जो है वो पढ़ाई का वो लेवल ही नहीं रहा। और बाकी रहा एडिक्शन का, तो ये जो मंशियात फरोश हैं वो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले
बात हो रही थी बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, अयाज साहब बता रहे थे। जी अयाज भाई बताइएगा। तो मैं ये बता रहा पहले भी बता रहा था जैसे ब्रेक से पहले, कि वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख्याल की ज़रूरत है। उनको अपने बच्चों को पूरा पूरा टाइम देना चाहिए, सिर्फ स्कूल में भेज देना इनफ नहीं। और आप तो स्कूल्स भी माशाल्लाह तकरीबन 2 साल से जो हालात चल रहे हैं हो रहा है, तो बच्चों के जो है उनके लिए देखें, माँ की जो गोद है वो कहा जाता है कि इंसान के लिए पहली दरसगाह है। और ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर दें तो पेरेंट्स समझें कि उसके बाद उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। और अगर वो अपने बच्चों पेरेंट्स हैं वो अपने जो दुनियादारी के जो मामलात हैं, अपने जॉब्स हैं और दीगर जो मामलात हैं उसमें उलझे, वो डेफिनेटली वो तो होनी है, लेकिन बच्चों की तरबियत तभी मुमकिन है। आपके कहने का मकसद यही है कि बच्चों की तरबियत तभी मुमकिन है जब वालदैन मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर उनको टाइम दें। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा। देखें जी, अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो हमारी मुआशरती जिम्मेदारियाँ जो हैं उनकी अहमियत और हैसियत अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चों को जो टाइम देना है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उनके एंड तक सबसे बेहतरीन, अगर आपके उनके फ्रेंड हैं तो वो पेरेंट्स को ही होना चाहिए। आप देखें उनके जो उनके हल्का अहबाब है उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अयाज साहब बताइएगा कि इस्लाम में ख़वातीन के हवाले से बहुत सी तफसीली आगाही मौजूद है, लेकिन अगर आप देखें कि रिसेंटली मतलब कुछ ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आए हैं जो कि गॉड फॉरबिडन, जिस तरह के मतलब किसी बच्ची का या किसी का मर्डर हो जाता है गैरत के नाम के ऊपर, तो उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक एक मज़हबी घराने से है। तो आप यू वुड लाइक टू से कि ये मतलब जब हम इस तरह के जो मामलात हैं, जब इसमें हम लोग ख़ुद से ही सारा कुछ करने शुरू कर देते हैं, लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग इस मुसलमान हैं, इस्लाम में एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है, कानून मौजूद है और आप उसको ओबे करें, और हम उसको चीज़ें बिल्कुल भूल कर हम ख़ुद से जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया कहा जा सकता है इसको। आप सब इसमें देखें, बात ये है कि इस्लाम ने बिल्कुल जो इस्लाम के अंदर बिल्कुल क्लियरली है कि जो एक औरत का मुकाम है, जो एक बेटी का मुकाम है या एक माँ का मुकाम, वो किसी और मज़हब के अंदर नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ तक इस्लाम की बात है उसके साथ साथ हमारे मुल्क का जो कानून है, कानून की भी कुछ अहमियत है। आपने देखा जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर बेशुमार ऐसे फ़ैसले किए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाए थे, मगर उनके फ़ैसले जो थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और उनके फ़ैसले उनके दौरे हकूमत के अंदर जो है वो बरकरार रहे। तो हकूमत वक़्त जो है उसकी जिम्मेदारी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का ही एक वाक़िया है कि जब एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी मामले में फ़ैसला करवाया, तो वो जो मुसलमान, एक मुसलमान और यहूदी का कोई क्लैश था, तो जब वो मुसलमान जो है वो मतलब यहूदी ने क्या किया कि जो मुसलमान है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पहुंच गया कि ये मेरा जो फ़ैसला है आप फरमा दीजिए। तो जब उनको पता चला कि ये फ़ैसला यहूदी के हक़ में आप सरकार सल्लम ने पहले ही फरमा दिया है, तो वो अंदर गए और अंदर से जाके तलवार लाए और तलवार म्यान से बाहर निकाल के मुसलमान का सर उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो उमर का ये फ़ैसला है। बिल्कुल, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फ़ैसला है वो हम सब के लिए जो है वो एक मॉडल है, एक एग्जांपल है, हम उससे बिल्कुल राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते और ये बिल्कुल हमारा ईमान है। दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं, इस्लाम के अंदर जहाँ पर वालिदैन के हकूक़ हैं वहाँ पर बुनियादी हकूक़ के अंदर औलाद के जो हकूक़ हैं वो सरे फहरिस्त हैं। अब औलाद के हकूक़ के अंदर देखें, अगर कोई बच्चों से गलती हो जाती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हम उनका डायरेक्ट ही एक्शन ले लें और उनको गैरत के नाम पर, क्या गैरत के नाम पर, गैरत ये नहीं है कि हमारी तरबियत में कहीं पर कमी रह जाती है, हम उसको अपनी गैरत का तकाजा समझे बजाय कि उस चीज़ की सज़ा हमें होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए कि हमसे कहीं पर तरबियत में कमी रह गई और उसकी सज़ा उस बच्चे को दी जाए। बच्चे गलती हो जाना मीन उसका एक गलत काम है, उसके गलत काम की वजह से वो इंसान ही नहीं कि वो गलत हो गया। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को गलत नहीं बनाया, बल्कि इंसान को ऐसन तरीके से बनाया गया इंसान। हाँ, इंसान के किसी भी फेल की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ आप चले जाएं, आप इतने ही फंडामेंटलिस्ट बन जाएं, इंतहा परस्त बन जाएं कि आप कानून को हाथ में ले लें। उसके लिए सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए
और ये गैरत के नाम पे मैं नहीं समझता कि इस्लाम के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है। जिस शख्स से हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो वही यही काम करता है। जिस तरह के मैंने आपको अभी बताया कि कुछ ऐसे मजहबी घराने के लोग थे जो इस सारे मामले में वो एक्यूज हुए और उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया, तो अब वो देखें कि अब एक उन्होंने एक इस्लाम को भी स्टडी किया, दूसरे जो एक बंदा है जिसने स्टडी नहीं किया वो एक आम सा जो मुसलमान है उसके ऊपर इतनी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये वो ये काम करेगा, और जिससे आपको ये तवक्को ही ना हो कि यार ये बंदा ये इस तरह का काम कर दे तो वो कर दे, तो उसके लिए तो फिर ज़्यादा फोर्सफुली मतलब हमें वो देखना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि एक आम और ख़ास मुसलमान क्या है, एक मजहबी और एक गैर मजहबी क्या है। सही, जो मजहबी लोग होते हैं मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो मजहब के नाम पे खिलवाड़ किया गया है ये हमारे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आज तक हुआ है। सही, देखें हमारे मजहब के जितने भी सेक्टर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे किसी भी मसलक के साथ, मसलह की बुनियाद पर कौम को तकसीम कर दिया गया और फिर तफरीका बंदी पैदा कर करके अपने मकासद को जो है वो उनको हासिल किया गया। सही, तो मैं नहीं समझता कि हमें इस चीज़ के अंदर जाना चाहिए कि ये मजहबी और ये, बल्कि जब देखें कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सही, इसी तरह अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं। हाँ, अगर किसी को कोई अहमियत या फौकियत हासिल है तो वो तो तकबे की वजह से। सही, अब इस सूरत हाल के अंदर क्या है कि जब कानून भी है, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो मतलब नहीं समझता और जो समझते हैं उनमें फ़र्क तो होता है ना। यकीनन समझने वाला और ना समझने वाला दोनों बराबर नहीं है, एक पढ़ा हुआ इंसान और अनपढ़ इंसान बराबर नहीं हो सकते, लेकिन उलमा ने जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था। सही, आज तक हम देखते हैं कि रोज़ कितनी ऐसी बेचारी लड़कियाँ हैं, नौजवान हमारी ख़वातीन हैं, जहाँ बेहुरमती हो रही होती है और लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। हमारी मसाजिद के अंदर हमारे उलमाए कराम का जो है उसके ऊपर क्या किरदार नज़र आता है, हम क्या देखते हैं मीडिया के ऊपर भी हम क्या देखते हैं, माँ सिवाय उलमा जो हैं वो भी सियासत करने पे लगे हुए हैं और इसके अलावा बाकी हैं तो अपने मसाइल जो है तफरीकाबंदी के हिसाब से पैदा कर रहे हैं मुआशरती मसाइल के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारे उलमाए कराम का जो किरदार है वो काबिले तहसीन नहीं है, मेरे नज़दीक काबिले तहसीन नहीं है, बल्कि एक शर्मनाक हद तक है कि उलमा के ऊपर एक जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी की जो वरासत के वो वरासत के जिम्मेदार हैं, सब नहीं है, यहाँ पर तो वो भी हैं जो पीने पिलाने वाले होते हैं, उनको भी उलमाए कराम आजकल जो हम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी हदायत देखे। हमें तो दुआ तो क्या, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम को पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे जो बेचारे कम से बच्चों के साथ जो ज़्यादती की वीडियोस जैसी आती हैं, ऐसे ही है। अच्छा अयाज साहब, ये बताइएगा कि किसी भी फैमिली में एक खातून का जो किरदार होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है और एक अहम रोल प्ले करती है किसी भी फैमिली में, एक खातून जो होती है घर में, तो उसमें आप देख लें कि जब एक शख्स जो है जिसके बच्चे होते हैं, बेटियाँ भी होती हैं, बेटे भी होते हैं, आप और हम भी हैं, इसी मुआशरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जब बेटियां होती हैं हम लोग समझते हैं, हम बेटी का दर्द भी महसूस करते हैं, उसका एहसास भी महसूस करते हैं, या अपनी सिस्टर है उसका एहसास भी करते हैं, उसका दर्द भी महसूस करते हैं, और उनके लिए हमारा बड़ा नरम गोशा होता है और नरम रवैया होता है। लेकिन वही शख्स जो मतलब आप लगा लें या मैं लगा लूँ या कोई भी लगा लें, वही शख्स जो है मतलब जब अपने आप को एक हस्बैंड महसूस करता है कि ये मेरी बीवी है और मैं ये एक शौहर हूँ, तो वो अपनी बीवी के साथ वो जारहाना रवैया अख्तियार करता है, तो इसकी क्या वजह है? हाँ नहीं, मेरे नज़दीक ये है कि इंसान की ज़िंदगी, कहते हैं ना कि वो हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यकीनन माँ का घर के अंदर बहुत ही काबिले तहसीन किरदार है। माँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो तकालीफ उठाती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सही, इसके साथ साथ जो बेटी है या बीवी है, मेरे ख्याल में माँ के किरदार के बाद अगर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर सबसे गहरा तरीन असर होता है तो वो इंसान की वाइफ का है। ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं है कि अगर लाइफ पार्टनर जो है, बेशुमार तलखियाँ हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए और किसी भी इंसान को मेरा ख्याल है कि उसके देखें इस्लाम ने एक तरीके कार वज़ा किया है। सही, उसके मुताबिक अगर कोई अलहदगी की सूरत भी है तो वो भी उसकी सूरत मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि औरत के साथ कोई सख्ती करनी चाहिए या उसको जो है उसके साथ इंतहाई अहसन तरीके के साथ, बल्कि आप अगर थोड़ा सब्र और हौसले के साथ चलें तो आप अपने मामलात को अच्छे अंदाज में अयाज महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने तशरीफ़ हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया इस बार अगेन आपको कह रहे हैं।
तो नाज़रीन आपने देखा कि अयाज महमूद माहिर क़ानूनदान है, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातें की और जो कि आप लोगों ने सुनी भी कि जिस तरीके से हमें जजा और सज़ा का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखना है, तब जाकर इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। इसमें शॉर्टली मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात बता दें कि उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खौला जो हैं उनकी बहन जैश थी, उनके जो कज़न हैं उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ थे, तो उन्होंने जो उनका जो कज़न था जैश के ऊपर उसने तशद्दुद किया, काफ़ी तशद्दुद किया, तो वो वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और जब आपने उस सारे वाक़े को सुना तो उन्होंने उस शख्स को सज़ाए मौत का जो है वो फ़ैसला उसके सुनाया गया। और ये था हमारा इस्लाम कि जब हम लोग फ़ैसले करते थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी फौरी होता था। और हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि इस तरह के माइंड रखने वाले लोग, इस तरह के जो बद किरदार लोग हैं और बदबख्त लोग हैं जो कि माशरे के लिए नासूर बने हुए हैं, इनको जजा और सज़ा का सिलसिला बहुत ज़रूरी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।